नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जब कॉलम की कास्टिंग करी जाती है तो इसका साहुल करना कितना उपयोगी होता है और साहुल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो साहुल बोला जाता है, ये जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं ये साहुल होता है। क्या रहता है कि जब भी हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो साहुल का उपयोग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्या रहता है कि जब भी हम कॉलम खड़ा करते हैं तो हमारा कॉलम गोले से आउट ना हो, आड़ा तिरछा ना हो, इसके लिए हम साहुल का यूज़ करते हैं। इसको मिस्त्री द्वारा ऊपर से लटकाया जाता है तथा इसके बीच में गैप को देखा जाता है। साहुल करते समय ये जो रहता है इसमें बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए, गोला बिल्कुल हमारे कॉलम से टच होना चाहिए, हल्का सा इसमें गैप आना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो यदि ये इस पोजिशन में होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉलम बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। इसको हम दो साइड से चेक करते हैं, एक तो हमारी ये वाली साइड हो गई है, दूसरी साइड अब हमारी ये वाली रहेगी, ये हमारी सेकंड साइड होती है। इस साइड से भी जब हम गोले को चेक करते तो जो हमारा गोला रहना चाहिए वो हमारे कॉलम से बिल्कुल ना के बराबर फ्री होना चाहिए, बस गोला हमारा फ्री होना चाहिए, कॉलम को टच नहीं करना होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारा कॉलम बिल्कुल साहुल में है, बिल्कुल गोले में है, कहीं से भी आउट नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों कॉलम का गोला करा जाता है, साहुल करा जाता है। आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।